हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 25% रैंकर कोटा से पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है टर्मिनल वेयर मोर देन टू ब्रांचेस मेट इज कॉल्ड। जहाँ पे दो टर्मिनल मिलते हैं ना, जहाँ पे दो ब्रांचेस मिलते हैं उस टर्मिनल को हम लोग नोड बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है मेस एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। मेस एनालिसिस जो है वो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे बेस्ड है। दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, एक मेस एनालिसिस और एक नोड एनालिसिस। तो नोड एनालिसिस किरचॉफ्स करेंट लॉ पे बेस्ड है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड है इन फोर ब्रांचेस पैरेलल सर्किट 10 mA ऑफ करंट इन ईच ब्रांच। इफ वन ऑफ द ब्रांच ओपन्स व्हाट विल बी द करंट इन ईच ऑफ द ब्रांचेस। तो भाई अगर पैरेलल सर्किट है और किसी कोई एक ब्रांच ओपन हो गया तो बाकी ब्रांच पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो अनअफेक्टेड हो जाए। थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ है यूनिट ऑफ पावर होता है वाट। तो चार का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिफ्थ है एक बैटरी EMF 12 वोल्ट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर। अगर वोल्टेज है 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस 20 ओम है तो करंट का वैल्यू होगा 12/20, डिवाइड करेंगे तो 0.6 एम्पेयर होगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को डिटेक्ट करता है उसको गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। एट नंबर क्वेश्चन है थ्री रेसिस्टर ऑफ 10 ओम 15 ओम एंड 30 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। अगर 10 15 और 30 ओम के रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसके इक्विवेलेंट क्या होगी। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग पहले दो को सेलेक्ट करते हैं, जैसे 30 और 15 है। इसके इक्विवेलेंट होंगे 30 × 15/45। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं दोनों को जोड़ करके। तो 30 × 15/45 करेंगे तो 10 ओम आएगा, और 10 ओम जब इस 10 ओम के साथ पैरेलल में करेंगे तो 5 ओम आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 ओम। 8 का 9 का होगा द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वेरीज इनवर्सली एज। रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर का इन्वर्सली कैसे, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वेरीज इन्वर्सली एज। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, तब हम ये क्या रिलेशन होगा वो पता कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। तो यहाँ पे रो तो फिक्स होता है, L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 9 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वेरीज इनवर्सली एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। 10 नंबर क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट अ पुअर कंडक्टर। इसमें से कौन सा पुअर कंडक्टर नहीं है। तो कॉपर जो है वो अच्छा कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर नहीं है। 11 क्वेश्चन है द सब्सटेंस व्हिच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ऑफर अ लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो उसको बोलेंगे कंडक्टर और रेजिस्टेंस उसकी बहुत कम होती है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि एलिमेंट इन अ सर्किट 33 ओम रेजिस्टर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर। आर का वैल्यू है 33 ओम, करंट है 2 एम्पीयर, तो वोल्टेज क्रॉस होगा आई आर। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आर को और आई को, तो 66 वोल्ट इसका आंसर हो गया। 12 का बी होगा आंसर। 13 है लाइट बल्ब ड्रॉ 300 mA व्हेन वोल्टेज अक्रॉस इट इज 240 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट बल्ब इज वी इक्वल टू आई आर। पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे वोल्टेज 240 है और करंट है 300 mA। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 240 को 300 mA से तो क्या होगा, 240/300 mA। मिली मतलब 10^-3 ऊपर जाएगा, 2024/10
800 होगा, 800 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 का सी। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। कौन से ऐसे मटेरियल है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है? तो ये होगा कार्बन। कार्बन के टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। बाकी सब मेटल है, ये नॉन मेटल है कार्बन। 15 का है, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू। ओम्स लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है? तो ओम्स लॉ वैक्यूम ट्यूब के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो 15 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। 16 नंबर क्वेश्चन है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टर का वाला बना होता है, क्योंकि इसमें हीट विदस्टैंड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जल्दी मेल्ट नहीं होता है। तो 16 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 17 है, एन इनकैंडेसेंट लैम्प कैन बी वर्क्ड फ्रॉम। तो इनकैंडेसेंट मतलब जो कांच वाला जो बल्ब आता है उसको बोलते हैं इनकैंडेसेंट लैम्प। वो डीसी सप्लाई से चल सकता है, एसी सप्लाई से चल सकता है, बैटरी से चल सकता है, अगर प्रॉपर वाटेज और वोल्टेज मिले तो किसी से भी चल सकता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। 17 का डी। 18 है, ट्रांसफार्मर रेटिंग आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड ऑन। ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है वो केवीए में एक्सप्रेस्ड की जाती है, किलो वोल्ट एम्पेयर में एक्सप्रेस्ड की जाती है। तो 18 का बी ऑप्शन सही है। 19 क्वेश्चन है, लेमिनेटेड कोर रिड्यूस विच लॉसेस। कोर को लेमिनेट करते हैं ताकि ईडी करंट लॉस कम हो जाए। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 19 का बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, केमिकल यूज इन द ब्रीदर ऑफ ट्रांसफार्मर। ब्रीदर में हम लोग सिलिका जेल यूज करते हैं, सिलिका जेल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।